हाँ दोस्तों, गर्मी में मैं अपने प्लांट की केयर कैसे करती हूँ ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी। जैसे कि दोस्तों, सर्दी का मौसम ख़त्म हो चुका है तो सर्दी के जितने भी पौधे थे उसकी कटिंग्स जितने भी है वो स्पेंच हुए हुए, उसको एक बड़ी सी गमला में आप उसको शिफ्ट कर दीजिएगा आप नेक्स्ट ईयर के लिए। जैसे गुलदाउदी का पौधा, क्लांचो, ये सब अगले साल के लिए आप रख दीजिएगा। जैसे सर्दी का गुलदाउदी मैंने एक बड़े से गमले में सबको एक कट्टा रख दिया है, फिर अगले साल के लिए सेमी शेड वाली जगह में रख दीजिएगा जहाँ धूप छाँव मिलती है। इसके साथ गर्मी में खिलने वाले जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे ये कनेर का है जो कड़ी धूप इसको पसंद होती है, गंधराज, ये सब गर्मी में खिलने वाले हैं, इसको फुल सनलाइट में रख दीजिएगा दोस्तों, तो ये अच्छी तरह से बर्ड्स बना के खिलती है। जिस तरह केना लिली हुआ, ये सब गर्मी में खिलने वाले पौधे हैं। हिबिस्कस, लाल लोटस, ये सारे गर्मी में खिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आज को खिला हुआ है कितना सुंदर है लाल लोटस, अब इसका सीजन है, ये कड़ी धूप से बहुत पसंद है, ये धूप में अच्छी तरह से खिलते हैं। विंका, सदाबहार, ये भी सब धूप पसंद करने वाले पौधे हैं। बड़े साइज का धतूरा हिल साइड में पाए जाने वाले, बहुत ही खूबसूरत, इसे भी सनलाइट बहुत ही पसंद आता है दोस्तों। मधुमालती के पौधा, सन लविंग प्लांट है ये भी। विंका, फिर से कुलियस, ये सब धूप में आसानी से सर्वाइव करते हैं। देखिए दोस्तों, कुलियस में कितना खूबसूरत एक फूल खिला है। कुलियस अपने बगीचे में आप लोग जरूर ऐड कीजिएगा, ये बगीचे की खूबसूरती को बहुत ही बढ़ाते हैं और कलर ऐड करते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में। जितने भी शेड लविंग प्लांट है ये इसको अब आप अपने घर में शेड में रखिएगा, या इंडोर प्लांट है ये, इसको अगर धूप में रख दीजिएगा तो ये सब मुरझा जाते हैं और कलर फेड हो जाते हैं। जैसे कि एरिका पाम भी, ये शेड लविंग प्लांट है, इंडोर प्लांट, ये देखिए शेड में है तो कितनी अच्छी तरह से ये सब सर्वाइव कर रही है। मेरे सारे शेड लविंग प्लांट है, इसे मैंने शेड के नीचे रखा है। ब्लैक सोनिया भी, अब इसको सर्दी में खिलने वाले फूल है तो इससे भी मैंने सेट के नीचे सेव करके रख दिया है अगले साल के लिए। वेरीगेटेड मनी प्लांट, देखिए मार्बल पौधे कितना बढ़िया है, ये सब सेड लविंग प्लांट है दोस्तों। अगर आपके पास भी होगा तो आप लोग इसे सेड में रख दीजिए, बिल्कुल धूप में मत रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने इन लोगों को यहाँ सेड के नीचे सब रखा हुआ है इस तरह से। सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, ये भी सेड लविंग प्लांट है। लैला मजनू का प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं, इसमें दो कलर होते हैं, नीचे में देखिए दोस्तों कितना सुंदर मेरून कलर होते हैं और ऊपर में वेरीगेटेड, बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये सब मेरे सेमी सेड में है। ये गेंदे का फूल में भी अभी तक फूल खिले हैं, जब तक ये फूल खिलेंगे मैं इसे यहीं रख दूँगी, सेमी सेड में है ये भी, हल्की सी यहाँ धूप आती है। और अगर आप इसे बचा के रख ले सकेंगे तो ये नेक्स्ट ईयर में इसके जो ब्रांचेस है ये तोड़ के आप अगर इसे लगाएंगे तो आपके बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। जितने भी आपके पास सन लविंग प्लांट है, जैसे हिबिस्कस हुआ, गंधराज हुआ, ये सब आप इसको कड़ी धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रख दीजिएगा, बहुत ही अच्छे इसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए दोस्तों, कितना सुंदर एक इंसेक्ट है, कितना प्रिंट देखिए इसका, कितना खूबसूरत है, ये पत्ती की छांव में बैठी हुई है, बहुत प्यारी लग रही है। जितनी भी एग्लोरमिनिया आप लोगों के पास है वो सब सेड लविंग प्लांट है, इसे आप इसे छांव में रख दीजिएगा तो अच्छी तरह से ये सर्वाइव करती रहेगी सालों साल आपके पास। हाइब्रिड वैरायटी के क्लांचो, देखिए दोस्तों अभी ये भी स्पेंच हो चुका है तो मैं इसे शेड में रख दी हूँ, और इसके जो पत्ते हैं बहुत सारे पत्ते, इसे मैं ज़मीन में दबा दी थी तो इससे भी जड़ी बनती है, ये पत्तों से भी पौधे बन जाते हैं। क्लांचो भी एक ऐसा पौधा है जो पत्ती से बहुत सारे प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। देखिए ये इसको अब यही ज़मीन में मैं दबा दूँगी तो इससे बहुत सारे पत्ते निकलेंगे और नेक्स्ट ईयर भी इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों भी जब आपका फ्लावर स्पेंट हो जाएगा तो आप इसे इसकी जो पत्ती होती है मोटी मोटी वो आप ज़मीन में दबा दीजिएगा तो आपके भी बहुत सारे पौधे तैयार हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने कुछ दिन पहले ही दबाए थे, सब पे जड़े बनने लगे हैं तो मेरे इससे बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं। इसी तरह जेड की कटिंग भी आप
जहाँ तहाँ लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये भी कटिंग लगाया था, इसमें भी शायद जरी बन चुकी है। देखिए दोस्तों कितना प्यारा दो कटिंग तैयार हो चुका है। तो आप लोग भी इस तरह से कटिंग जहाँ तहाँ लगा के रखिएगा तो आपके ढेरों प्लांट हो जाएंगे। और कभी आपके कटिंग कोई एक हो तो मर जाए भी तो आपको अफसोस करने का कोई बात नहीं है, आपके ऑलरेडी वहाँ प्लांट आपके तैयार हो चुके होंगे। तो इस तरह दोस्तों आप लोग भी बहुत सारे ढेरों प्लांट तैयार करके बहुत सारे प्लांट तैयार कीजिए। इस तरह मैंने अरेलिया का प्लांट का भी कटिंग करके दो प्लांट तैयार हो चुका है मेरे यहाँ पर दोस्तों। आप जितना कटिंग कीजिएगा उतना आपका मदर प्लांट बुशी होते जाएगा और आपके बहुत सारे प्लांट भी तैयार हो जो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप गर्मी में पसंद गर्मी वाले पौधे को सब फुल सनलाइट में रख दीजिएगा और जो ठंड के पौधे हैं उसको सब शेड में सेमी शेड में रख दीजिएगा। तो आपके पास भी बहुत सारे पौधे तैयार होंगे और सालों साल आपके साथ ये पौधे रहेंगे। अब देखिए दोस्तों ये गुलाब पूरा स्पेंट हो चुका है, तो इस तरह स्पेंट से आप इसकी ब्रांच काट दीजिएगा तो आपको बहुत सारे फिर यहाँ से ब्रांच नए नए निकलेंगे और फूल खिलेंगे। बोट लेडी का रियो का पौधा देखिए दोस्तों बहुत ही खूबसूरत होते हैं, ये भी कटिंग से आसानी से लग जाते हैं और ये बीजों से भी होते हैं। इसके अंदर सफ़ेद रंग के बहुत प्यारे से फूल खिलते हैं, बोट के आकार के, इसलिए इसे बोट लेडी कहते हैं दोस्तों। देखिए कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से ये प्लांटर शेयर किया था, देखिए इसमें कितनी अच्छी ये ग्रोथ ली है, इसमें टर्टल वाइन देखिए दोस्तों कितने प्यारे लग रहे हैं जी। ये बहुत फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। जेड प्लांट को भी आप अपने धूप में रख दीजिएगा, ये अच्छी तरह से सर्वाइव करती है। स्पेंड गुलाब को तुरंत इस हटा दीजिएगा, मत रखिएगा दोस्तों। Okay.